वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. वो हिंदुस्तान था, और बहुत से लोग, बड़े बड़े शहजादे, बादशाह, वो हिंदुस्तान आते थे स्टडी करने के। यहाँ के जो पंडित होते थे, यहाँ पर सबसे ज्यादा किताबें थी, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद शारदा पीठ की अगर हम बात करें, हाँ, कश्मीर वो भी बड़ा की फेमस है। तो ये कई हजार साल पहले की बात करें, या अगर हम कहें कि 1000 साल पहले या 500 साल पहले, तो आप देखें कि इस्लामिक देश के बादशाह भी किधर आके पढ़ते थे, हिंदुस्तान आके पढ़ते थे। तो तालीम के अतबार से वो आज भी बहुत आगे हैं, और उन्होंने कहा कि जो ओमान के जो नए बनने वाले किंग हैं वो भी भारत आएंगे स्टडी करने के लिए। तो ये चीज ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि यार वो अमेरिका, लंदन, यूरोप, कैनेडा नहीं, वो सिर्फ उसे भारत, क्योंकि यहाँ पर वो तालीम तो सीखेंगे लेकिन उसके साथ संस्कार सोने पर सुहागा। अच्छा। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये तो भारत के लिए सोना ही सोना है, लेकिन असल में वो सुहागा है, क्योंकि सोना उसके नीचे छुपा हुआ है जिसे भारत चुपचाप अपने पाले में लाने जा रहा है। नहीं समझे? चलिए मैं आपको ये पूरी खबर विस्तार से समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, और मैं दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस साल आप सभी लोगों के घरों में सुख शांति आए और अन्न धन के भंडार भरे। और अगर आप में से किसी के भी घर में कोई बीमार है या संकट से जूझ रहा है, तो भगवान आपके संकट काटे और सारी बीमारियों को दूर करें, और आप इस साल को अपने सबसे बेहतरीन साल के तौर पर इंजॉय कर पाए। इसी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये मैप देखिए, ये है ओमान का मैप, जो सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ साथ यमन के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अच्छा खासा बड़ा देश है, पैसे वाला देश है, बहुत अमीर कंट्री है। और इस देश की सबसे खास बात यह है कि सऊदी और यूएई या फिर बाकी के अरब देशों की तरह कभी भी ये अपने पैसे का दिखावा नहीं करते, ये चुपचाप अपने पैसे को दबाकर रखते हैं, उन्हें इन्वेस्ट करते हैं, फालतू की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह ये नहीं बनाते। और इसीलिए इस देश को एक साइलेंट रिच कंट्री के तौर पर भी जाना जाता है। और आपको बता दूं कि इस कंट्री का भारत से बहुत खास नाता है। कैसा नाता? दरअसल इस देश के जो राजा हैं, जो किंग हैं, उनके राज परिवार में एक परंपरा है, और ये परंपरा ये है कि जो भी प्रिंस होता है, यानी कि आने वाला जो राजा होता है, उसे भारत में पढ़ाई करनी होती है। अब से पहले जो किंग थे, जो उनकी डेथ हो गई है अब से कुछ ही महीने पहले, उन्होंने भारत में पढ़ाई करी थी, और अब इस समय जो ओमान के किंग हैं, उन्होंने भी भारत में पढ़ाई करी है। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी प्रिंस होगा वो भी भारत में पढ़ाई करेगा। इसी वजह से इस देश के राज परिवार के साथ भारत के बहुत ही ज्यादा गहरे संबंध है। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो इन संबंधों को मजबूत से अटूट बनाने जा रहा है। दरअसल हुआ ये है कि पिछले महीने यानी कि दिसंबर 2023 में ही ओमान के जो इस समय राजा हैं, जो किंग हैं, जिन्हें सुल्तान कहा जाता है, वो भारत के दौरे पर आए थे। इसी दौरे में दोनों देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रपोज किया गया, जिस पर दोनों देशों ने बातचीत शुरू करी। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खबर आ चुकी है कि दोनों देशों के संबंध इतने शानदार हैं कि इन्होंने कुछ ही हफ्तों के अंदर सारी की सारी एफटीए की जितनी भी डिटेल थी उन्हें फाइनलाइज कर लिया है, और दोनों देशों के बीच में इसी महीने यानी कि जनवरी में ही इस एफटीए की सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, और उसके बाद इस एफटीए को दोनों देश साइन कर लेंगे। और बताया जा रहा है कि जल्द ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ओमान की यात्रा कर सकते हैं, जहां पर दोनों देश ऑफिशियल तौर पर इसे लागू कर देंगे। अब इसका फायदा क्या है? तो सबसे पहले फायदा आप लोगों को मिलेगा, यानी कि आम जनता को। दरअसल ओमान से हम नाइट्रोजन खरीदते हैं, जिससे कि यूरिया बनाया जाता है, इसके अलावा फर्टिलाइजर खरीदते हैं, अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब इससे होगा ये कि जब हम ओमान से ये खरीदेंगे, तो भारत सरकार ओमान के इन फर्टिलाइजर पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, जिससे कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, यानी कि यूरिया, आप जो खेतों में खाद इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा।
जिससे कि आम जनता खासकर के किसानों को राहत मिलेगी। इसके अलावा जो पेट्रोलियम गैस है, हर साल ओमान से हम करीबन $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए की कीमत की खरीदते हैं, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा क्रूड पेट्रोलियम हम खरीदते हैं जो हर साल करीबन $3 बिलियन का होता है यानी लगभग 20,000 करोड़ का, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो भी सस्ता मिलेगा और आम जनता को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और डेफिनेटली इससे ओमान की सरकार को भी फायदा होगा क्योंकि ओमान के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, जो नाइट्रोजन है, जब वो भारतीय मार्केट में आएगा तो बाकी देशों के मुकाबले वो सस्ता होगा क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, इसीलिए वो भारत में और ज्यादा बिकेगा, ओमान की सरकार को और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। ये हो गया फायदा। अब बात करते हैं भारतीय प्रोडक्ट की। देखिए, ओमान एक ऐसा देश है जहां पर ज्यादातर आपको रेगिस्तानी मिलेगा, खाने पीने की ज्यादातर चीजें वहां पर नहीं उगाई जाती, खजूर वगैरह होते हैं, थोड़ी बहुत ही और फसलें होती हैं, लेकिन ज्यादातर ये देश अपनी जरूरत का खाने पीने की चीजें इम्पोर्ट करता है यानी कि दूसरे देशों से खरीदता है, क्योंकि भारत भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है अरब देशों में खाने पीने की चीजों का। ऐसे में ये लोग अब भारत से ये सामान खरीदेंगे और क्योंकि ये भारतीय सामानों पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाएंगे, इसीलिए वो चीन के खाने या फिर यूरोपियन कंपनियों के खानों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ेगा, जिससे कि भारतीय प्रोडक्ट की मांग पूरे ओमान में बढ़ेगी। हालांकि आप कहोगे कि यार इन अरब देशों में तो छोटी पॉपुलेशन होती है, क्या फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत हमारी कंपनियों की सेल हो जाएगी। तो देखिए फर्क पड़ेगा क्योंकि ओमान में पूरी दुनिया में जाते हैं तो इस एतबार से बड़ा अहम है। ओमान के जो सल्तनत के जो किंग है वो भी अभी भारत के विजिट पर है, वो भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई और इसके साथ साथ एक डिस्प्यूट के मुताबिक हर किंग को भारत से डिस्प्यूट करना पड़ता है। आप ये देखेंगे ये कई हजार साल पहले की परंपरा और ये आज भी है। तो अगर दुनिया में अगर देखें तो जो ऐसा मुल्क जो तालीम के अतबार से सबसे आगे था वो हिंदुस्तान था, और बहुत से लोग बड़े बड़े शहजादे बादशाह वो हिंदुस्तान आते थे स्टडी करने के लिए, यहाँ के जो पंडित होते थे, यहाँ पर सबसे ज्यादा किताबें थी, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद शादा पीठ की अगर हम बात करें कश्मीर की, तो ये कई हजार साल पहले की बात करें या अगर हम कहें कि 1,000 साल पहले या 500 साल पहले, तो आप देखेंगे इस्लामिक देश के बादशाह भी किधर आके पढ़ते थे, हिंदुस्तान आके पढ़ते थे। तो तालीम के अतबार से वो आज भी बहुत आगे हैं, और उन्होंने कहा कि जो ओमान के जो नए बनने वाले किंग हैं वो भी भारत आएंगे स्टडी करने के लिए। तो ये चीज ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि यार वो अमेरिका, लंदन, यूरोप, कैनेडा नहीं, वो सिर्फ उसे भारत, क्योंकि यहाँ पर वो तालीम तो सीखेंगे लेकिन उसके साथ संस्कार सीखेंगे, लोगों को इमोशनली लोगों के, क्योंकि एक किंग के लिए लोगों के जज्बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारत के अंदर जिस तरह से मेहमान नवाजी, जिस तरह से रिलेशनशिप है, जिस तरह से फैमिली है, कनेक्टिविटी है, एटिकेट्स है, मैनर्स है, वो सब चीजें वो भारत में सीखेंगे और उसके बाद वो एक अच्छे बादशाह कहलाएंगे। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।